लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया है कि मुख्य साजिशकर्ता पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। चार्जशीट में एजेंसी ने बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े मांगे थे। आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है। ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि लालू ने घोटाले की साजिश में जमीन पर कंट्रोल तो परिवार का ही रखा था, लेकिन जमीन का लिंक सीधा परिवार से नहीं किया था। वहीं कई जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जो लालू प्रसाद के परिवार की जमीन के ठीक बराबर में स्थित है और जिन्हें कम दामों में खरीद लिया गया था। फिलहाल ईडी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अधिक जानकारी जुटाने में लगी हुई है।